गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। आई एम एल्सो फाइन। आज हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स क्या होता है और मिनरल्स क्या होता है? सबसे पहले है रॉक्स। रॉक्स जो है नेचुरली अक्रिंग मेड ऑफ द मिनरल्स। रॉक जो होता है वो नेचुरली अक्रिंग सॉलिड, मतलब जो नेचुरल में सॉलिड के फॉर्म में, जो नेचुरल में सॉलिड के फॉर्म में होता है और मिनरल्स का बना होता है, उसे हम रॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पर यह हम लोग को देखना है कि रॉक्स कहाँ होता है। तो जानते हैं हम कि रॉक्स फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। रॉक्स जो होते हैं, चट्टाने जो होते हैं, वे सभी जगह होते हैं। कहाँ पर? ऑन द अर्थ। यानी कि रॉक्स जो होते हैं वो सभी जगह होते हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर होता है। एंड रॉक्स आर फाउंड ऑन द सर्फिस ऑफ, रॉक्स जो होते हैं वो सर्फिस पर होता है। किसके सर्फिस पर होता है? तो अर्थ के सर्फिस पर होता है। किसके सर्फिस पर? तो अर्थ के सर्फिस पर होता है। और यह जैसे ही अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर होता है, जब हम सॉइल को ऊपर निकालते हैं तो देखते हैं क्या कि अंदर में जो है चट्टान होता है, ठीक है। तो अब रॉक से कैसा होता है? तो सॉलिड फॉर्म में है। कहाँ है? तो अर्थ के ऊपर है। कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है। इधर अंदर में भी, सॉइल के अंदर में भी प्रेजेंट है। इसलिए हम इस चीज को कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में जो मिनरल्स का बना रहता है उसे हम रॉक्स कहते हैं। दे डिफरेंट कलर्स, इसके कलर्स जो होते हैं वे डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कई कलर का होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, इवन रेड कलर का भी होता है, डार्क रेड कलर का भी होता है। तो इसके कलर जो है वो डिफरेंट, वाइट कलर्स के भी होते हैं, डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट साइज, साइज इसके शेप और साइज भी जो है वो डिफरेंट टाइप का। रॉक मतलब ऑल रॉक्स, जितने भी रॉक्स होते हैं वे मेड ऑफ टू और मोर मिनरल्स, दो या दो से अधिक मिनरल्स का बना होता है। जैसे कि आप लोग बिस्किट खाए हैं क्या? खाए हैं ना? तो बिस्किट जो होता है वो सिंगल नहीं होता है, केवल उसमें जो है आटा नहीं रहेगा, मतलब उसके साथ क्या रहता है? तो बटर रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा? तो शुगर रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा? तो चॉकलेट रहेगा। यानी कि सारी चीज़ को जब हम मिला देते हैं तब जो है बिस्किट तैयार होता है। उसी तरह से बहुत सारे मिनरल्स जो है जब होते हैं तब एक रॉक्स का निर्माण होता है। ये रॉक्स ऑन द बेसिस, मतलब इसके शेप साइज के आधार पर, कलर के आधार पर ये तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वह है इग्नीशियस रॉक्स, पहला है इग्नीशियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो इग्नीशियस रॉक्स होता है ये मेड ऑफ फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा के आधार पर बनता है, लावा में से आता है फायर, फायर के रूप में। मतलब ये जो है ना, जैसे लावा जब उत्पन्न होता है तब ये जो इग्नीशियस रॉक्स है वो इग्निस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है फायर, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इग्नीशियस रॉक्स यानी कि लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो है और सॉलिड्स आर, मतलब रॉक्स आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट के डिपोजिशन के कारण जब रॉक्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो होता है कि फॉर्म ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब अर्थ के अंदर ग्रेट हीट एंड प्रेशर होता है तब जो है जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है।
इग्नियस रॉक्स जो है ये लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, ठीक है। जो इग्नियस रॉक्स है या लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, इसका मतलब होता है फायर, मतलब द वर्ड इग्नियस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड्स व्हिच मींस फायर, ठीक है। मतलब क्या है कि द वर्ड इग्नियस, ठीक है, जो इग्नियस वर्ड जो है वह कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस मींस फायर, इसका मतलब फायर है। ये जानते हैं लोग कि द रॉक्स दैट डीप इनसाइड द अर्थ, जो रॉक्स होते हैं वह इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर इन मोल्टेन स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। यही जो मोल्टेन स्टेट में जो होता है इसी को हम लोग मैग्मा भी कहते हैं, यानी कि मोल्टेन स्टेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैग्मा, जो मोल्टेन स्टेट्स में होते हैं उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। तो दीज रॉक्स आर मेड ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, इसे हम लोग पहले बताए भी थे कि जो इग्नियस रॉक्स होता है वह लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है। कैसे है? कि जानते हैं हम लोग कि मोल्टेन स्टेट में जो मैग्मा होता है वे मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स, अदर रॉक्स के प्रेशर के द्वारा जब ऊपर की ओर जब आता है तो इट इज स्लोली टू फॉर्म द हार्ड रॉक्स, हार्ड रॉक्स के फॉर्म में बनता है। बट इट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द लावा, जब अर्थ की सरफेस पर जैसे ही पहुंचता है तो यह लावा के फॉर्म में बनता है, मतलब ज्वाला उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ज्वाला उत्पन्न करती है। हम लोग जानते हैं ना कि वॉल्केनिक एरप्शन के बारे में, तो वॉल्केनिक एरप्शन होता है यानी कि लावा प्रोड्यूस होता है, और लावा जब कूल होता है कूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन सॉलिड फॉर्म रॉक्स, जिसे हम लोग कहते हैं कि यही जो रॉक्स होता है वह इग्नियस रॉक्स है, जिसे तीन भागों में कई भाग हैं, डिफरेंट टाइप्स। पहला है ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट होता है यह जो वर्ड है यह लैटिन वर्ड ग्रेनम से बना है, और ग्रेनम का अर्थ होता है ग्रे, ग्रेनम का अर्थ क्या होता है? ग्रे, यानी कि ग्रेनाइट कैसा होता है, यानी कि यहाँ पर यह है कि ग्रेनाइट जो है वो किस तरह का होता है। तो ग्रेनाइट होता है वो वेरी हार्ड रॉक, ग्रेनाइट कैसा है? वेरी हार्ड रॉक्स है एंड फाइन ग्रेन्स के फॉर्म में होता है, जिसका यूज रॉक बेस में बिल्डिंग में बिल्डिंग मॉन्यूमेंट बनाने में, स्टैचू बनाने में, फ्लोरिंग करने में, इस सब में जो है हम लोग इग्नियस रॉक्स का में ग्रेनाइट का यूज करते हैं। अगला है बेसल्ट, ये से हम लोग एक्सट्रसिव रॉक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सर एक्सट्रसिव रॉक क्या होता है और इन एक्सट्रसिव रॉक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बताते हैं आपको, ये बेसल्ट एक्सट्रसिव रॉक्स है जो रोड बेस चॉपर्स एंड ग्रेनाइट स्टोन के रूप में होता है। अगला है ऑब्सीडियन, जिसका ज्वेलरी सर्जिकल टूल्स मास्क इटी से में यूज होता है, एंड प्यूमिस जिसको फूट स्क्रबर्स फर्नीचर पॉलिश और इरेजर्स के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह आता है कि सर एक्सट्रसिव और इंट्रसिव क्या होता है, देखिए ये जो है एक्सट्रसिव EXTRUSIV एक्सट्रसिव रॉक्स या इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। और दूसरा है कि इन ट्रसिव इग्नियस रॉक्स,
इग्नियस रॉक्स। ये दोनों का मतलब क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। तो आप देखिए इसमें हम लोग को सबसे पहला यह बात देखना है कि जब मिलियंस या से यानी कि जो मैग्मा होता है वो कूल डाउन करता है, स्लोली होता है, मतलब धीरे 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 मैग्मा क्या होता है कूल डाउन के फॉर्म हो जाता है और मैनी ईयर्स एगो टू फॉर्म ए हार्ड रॉक्स और हार्ड रॉक्स के फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग इंट्रोसिव इग्नीशियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब लावा कूल डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, जब लावा कूल डाउन होता है, देखिए इसमें क्या करता है कि लावा का कूल डाउन होता है, क्या होता है लावा कूल डाउन होता है, लावा कूल्स करता है और लावा कूल्स करके हार्ड सरफेस मतलब हार्ड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में बनाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रोसिव। और इसमें क्या है कि मैग्मा इसमें क्या कूल करता है, मैग्मा कूल करता है स्लो। यही दोनों में अंतर है, इसमें क्या कूल करता है एक्सट्रोसिव में, एक्सट्रोसिव में लावा और इंट्रोसिव में मैग्मा कूल डाउन करके सॉलिड फॉर्म में फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग मैग्मा को इंट्रोसिव और एक्सट्रोसिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग को बताए हैं अभी कि ऑब्सीडियन और पीबीस दोनों जो होता है वह एक्सप्लोसिव इग्निशियस रॉक्स है, ठीक है। कौन कौन, प्यूमिस एंड ऑब्सीडियन, प्यूमिस और ऑब्सीडियन दोनों जो है यह एक्सप्लोसिव है। और इससे पहले जो हम लोग ग्रेनाइट पढ़े हैं और बेसल्ट पढ़े हैं वह जो है इंट्रोसिव इग्निशियस रॉक्स है, यानी कि मैग्मा की कूल डाउन करने से बना है, ओके। सेडिमेंट्री रॉक्स, अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है और कैसे बनता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेड अप बाई डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। व्हाट इज सेडिमेंट, सेडिमेंट क्या होता है, तो देखिए डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स पार्टिकल्स जो होते हैं तब जो है सेडिमेंट कहलाता है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सेडिमेंट, तो डिपोजिशन रॉक्स बिल्ड इन ए लेयर इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। व्हाट इज सेडिमेंट्स, तो डिपोजिशन लेयर ऑफ रॉक्स या डिपोजिशन रॉक्स बिल्ड इन ए लेयर इज कॉल्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कैसे होता है कि ए लॉट ऑफ रॉक्स गेट वर्म ड्यू टू इरोजन, मतलब बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं वे धीरे धीरे ब्रेकअप होता है, टूटता है और टूट करके कैसे टूटते हैं, तो रेन विंड एंड रनिंग वाटर ईटीसी के द्वारा जो है वह क्वालिटी का ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, यानी कि जो सैंड पार्टिकल्स जिस तरह से बनते हैं उसी प्रकार से रॉक्स का इरोजन होता है और एक कैरिड होते हैं, कैरिड अवे मतलब रेन वाटर विंड के द्वारा जो है कैरिड होता है और कहा जाता है सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ रिवर लेक्स या सी। बॉटम्स ऑफ बॉटम्स माने सबसे निचली सतह पर रिवर का, लेक का या सी के निचली सतह पर जो है यह बैठ जाता है और मैनी ईयर्स मतलब मिलियंस ईयर्स इसको बनने में जो है ना मिलियंस ईयर्स टाइम लगता है और मिलियंस ईयर्स के बाद धीरे 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 जो है यही लेयर मतलब रॉक्स के फॉर्म में हो जाता है तब उसी को कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कौन कौन से एग्जांपल हैं, पहला है सैंड स्टोन। सैंड स्टोन क्या होता है और सैंड स्टोन का यूज कहाँ है, तो देखिए सैंड स्टोन का यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ग्रीन स्टोन फील्ड्स में या गार्डन्स में यूज होता है। सैंड स्टोन फॉर्म विद द ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन कंपैक्ट टू ओवर ए लॉन्ग
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो लाइम स्टोन का यूज मेकिंग सीमेंट ग्लास एंड ट्रीटिंग सीवेज एंड फर्टिलाइजर्स के रूप में इसका यूज होता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो लाइम स्टोन होता है ये मेड ऑफ सी एनिमल यानी कि सी एनिमल्स का बना होता है। इट इज मेड ऑफ ए सॉफ्ट रॉक्स एंड कंटेन्स द मिनरल्स ऑफ द कैल्शियम। इसमें कैल्शियम मिनरल्स कंटेन्स होते हैं। जबकि इट बिकम्स ए वाइट पाउडर चॉक लाइक चॉक होता है वह कहा जाता है यानी कि चॉक होता है। यह लाइम स्टोन का ही एक काइंड होता है। ओके इसमें जो है अगला है कॉगुलेशन। कॉगुलेट में होता है कि ऑर्नामेंट्स स्टोन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रूप में इसका यूज होता है। कंप्यूटर राउंड पेबल्स ग्रेवल्स एंड ब्यूटर सीमेंटेड टूगेदर होता है जिसमें कि यह ऑरेंज कलर का होता है। इसलिए इसका यूज हम लोग ऑर्नामेंट स्टोन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रूप में करते हैं। अगला है सैंड। मतलब इट मेक्स द ब्रिक्स टाइल्स एंड सीमेंट। ब्रिक्स टाइल्स और सीमेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है जिसमें कि क्ले द हार्डेंड टर्न इनटू रॉक्स यूजुअली फ्रॉम द सीड एंड सेल मोस्ट वेबरेंट रॉक्स फाउंड टू द अर्थ। ओके स्टूडेंट नो एनी प्रॉब्लम है नहीं है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके थैंक्स।